वेलकम गाइस अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट करियर मोड। तो भाई साहब ये है डिसाइडर ओडीआई इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक मैच है, यहाँ मुझे कुछ ना कुछ तो स्कोर करना पड़ेगा तो ही मैं इंडिया टीम में बना रहूंगा। लास्ट वीडियो आपने दिखा रहेगा बहुत ही खराब डेब्यू रहा हमारा इंडिया टीम के लिए, बट ये मैच में हमें करना है। ओए देखो ये रही टाइमिंग स्ट्रगल, भाई साहब बहुत ज्यादा स्ट्रगल यहाँ पर चालू है, बट यार मैं कोशिश करूंगा कि कुछ तो रन बन जाए इस इनिंग में कि भाई मैं अगले ओडीआई में सेलेक्टेड रहूं। तो यार जोसेफ बॉलिंग कर रहा है, लो भाई साहब इसको बोलते कॉन्फिडेंस शॉट फ्रंट फुट पे कवर के पास से चार रन के लिए। भाई साहब देख रहे हो स्टैंड एंड डिलीवर, मजा ही आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट बॉल की तरफ। तो नेक्स्ट बॉल भाई काइल मैच की तरफ से ही है। भाई साहब ओ ये बैट की आवाज मुझे आई है, भाई अंपायर मेरी तरफ रहना, भाई अब इसे चार रन ही बनाए है उसके ऊपर बनाना। तो भाई साहब चलो अंपायर को घुस दे दिया फाइनली मैंने और अंपायर ने नॉट आउट दे दिया है। भाई साहब जोसेफ बहुत ही ताकत से बॉल, ओ मुझे लगा बॉल अंदर आएगी बट भाई बॉल पड़ के बाहर गई थी। यहाँ जोसेफ की अगली बॉल, ओ पंच कर दिया है पीछे फील्डर है थर्ड मैन पे, तो आसानी से एक रन तो प्राप्त कर ही लूंगा यार। बढ़ते नेक्स्ट बॉल की तरफ। तो यहाँ पर देखो ओवर 34 और सामने काइल मैच बॉलिंग कर रहा और डाउन द ग्राउंड सीधा पकड़ लिया, भाई एक तो जगह चले जाने दो। चलो भाई साहब काइल मैच वापस अपनी बॉलिंग को, ओए देखो भाई साहब शॉट तगड़ा बट काइल मैच की ओवर की आखिरी गेंद फ्लिक कर दिया है फील्डर के पास तक चली जाएगी बट कॉल करते ही भाग गया था इसलिए एक रन आ जाएंगे आसानी से यहाँ पर। और यहाँ पर ओवर की पांचवी की पहली बॉल और यहाँ पर ओ भाई व्हाट अ कवर ड्राइव पीछे फील्डर तैनात, रिस्की रन हो सकता है पर डाई मार के होम में अंदर आराम से। काइल्स में रन अटैक गाइस और सामने मैं और यहाँ पर मारते ही कॉल कर दिया आसानी से एक रन लूंगा पर रन आउट चांसेस नहीं भाई आराम से घर के अंदर पहुंच चुका हूँ। और जोसेफ बहुत ही गुस्से में बॉलिंग कर रहा हूँ, भाई इसको बोलते हैं देखा समझा शॉट। देखो भाई जगह बनाई अंदर घुसा पंच कर दिया बैक फुट पे और चार रन प्राप्त किए। देखो शॉट पे लाइक तो बनता है ना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट बॉल की तरफ। जोसेफ फिर से ओ भाई साहब बहुत ही तगड़ा बाउंसर मारा था बट कट करके आसानी से मैं एक रन तो ले ही लूंगा और तो सब्सक्राइब नहीं आया सब्सक्राइब भी कर देना। बढ़ते नेक्स्ट बॉल की तरफ और यहाँ पर स्पिनर को लाया, भाई स्पिनर ताकत तो है बट लास्ट मैच आपने देखा ही होगा हम स्पिनर से रन आउट हो चुके थे। तो भाई यहाँ पर थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा मुझे अगर इस इनिंग को अच्छा खासा स्कोर पे डील करना है। तो पहली बॉल पे अच्छा खासा रन आ चुका है। यहाँ पर देखो जोसेफ दसवीं ओवर की आखिरी गेंद काइल मैच सॉरी और ये नो बॉल, तो इसका फायदा उठाना तो बनता है भाई। काइल मायर्स तेरे को तो मैं आउट ऑफ द स्टेडियम भेजने वाला हूँ। ये देखो व्हाट अ यूनिक शॉट यार, इसको बोलते हैं बहुत ही खतरनाक यूनिक शॉट और छह रन के लिए गेंद जाती हुई। और भाई साहब ओवर की पहली बॉल और डिपॉजिट करेंगे अपन रिवर्स स्वीप में स्टैंड में और ये चार रन आसानी से प्राप्त होगा। बढ़ते अपनी नेक्स्ट बॉल की तरफ। ओवर की दूसरी बॉल डाउन द ग्राउंड खेल दिया है, एक रन तो आसानी से ले लेंगे भाई साहब। तो यहाँ ओवर की आखिरी बॉल फेविन एलन बॉलिंग कर रहा और ये ओ ये क्या कट लग के पैड पे लग के कैच, इसको बोलते हैं किस्मत खराब ना गाइस। तो यार ये रहा अपना ओडीआई का लास्ट मैच और ये देखो आउट होने का कुछ नया तरीका तुम्हारे भाई की तरफ से। तो भाई चलो कोई नहीं, मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि भाई ये डिसाइडर था तो ये मैच हम इजिली जीत चुके हैं। अब ये रहा सेलिब्रेशन भाई ये मैच का और वीडियो कैसी लगी मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे जरूर बताना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो अपने घर वालों का ध्यान रखो, मिलता हूं बहुत जल्द।